नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। ललित मोदी एक सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट की वजह से अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री से अपने रिश्ते की जानकारी दी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आईपीएल लीग की शुरुआत करने वाले ललित मोदी एक बड़े कॉरपोरेट घराने से ताल्लुक रखते हैं। ललित मोदी एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड से आते हैं और इनका जन्म 29 नवंबर 1973 को हुआ था। उनके दादाजी राज बहादुर गुजरमल मोदी अपने जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। गुजरमल ने ही उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास मोदी नगर शहर को बसाया था। गुजरमल मोदी के बाद मोदी एंटरप्राइजेस की कमान ललित मोदी के पिता के मोदी के हाथों में आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ललित मोदी की कुल संपत्ति लगभग $57 करोड़ है। अभी मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट ललित मोदी है। ललित मोदी और विवादों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। चाहे प्यार हो या बिजनेस, दोनों ही लाइफ विवादों में रही है। दरअसल ललित मोदी को अपनी मां की सहेली मीनल से मोहब्बत हो गई थी। जब मीनल की शादी होने वाली थी, उससे पहले ललित मोदी ने उनको अपनी फीलिंग्स बयां किया। उम्र में 9 साल बड़ी मीनल इससे नाराज हो गई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। लेकिन बाद में मीनल की शादी नाइजीरियाई बिजनेसमैन जैक सागरानी से हुई, पर तलाक भी हो गया। इसके बाद मीनल और ललित मोदी फिर करीब आए और दोनों ने अपने परिवारों के मर्जी के खिलाफ 17 अक्टूबर 1991 में शादी कर ली, पर 2018 में मीनल की मौत हो गई कैंसर से। वहीं ललित मोदी हैं जिन्होंने देश में नए अंदाज में क्रिकेट आईपीएल की शुरुआत कर सबको चौंका दिया था। ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की थी। वो 2005 से 10 तक बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे, 2008 से 2010 तक आईपीएल के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। 2010 में ललित मोदी को धांधली के आरोप में आईपीएल कमिश्नर के पद से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें बीसीसीआई से भी सस्पेंड कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपों के बाद 2010 में ललित मोदी देश से फरार हो गए थे। वहीं कोची टर्कर्स के पेपर पर साइन करने के बाद ललित मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे। इन ट्वीट में उन्होंने पेंडोरा पेपर से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि तत्कालीन विदेश मंत्री शशि थरूर की दोस्त और बाद में बनी उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के शेयर रेंडेसवेन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कंपनी में थे, जो कि कोची टीम के सहमालिक में से एक थी। आगे चलकर ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ललित मोदी को बीसीसीआई से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा शशि थरूर को केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी पर कई तरह की अनियमितताएं और घोटाले के आरोप लगे थे। जांच में इन आरोपों को सही पाया गया और 2013 में बीसीसीआई ने उन पर आजीवन बैन लगा दिया। फिलहाल मोदी लंदन में रहते हैं। हाल ही में ललित मोदी इसीलिए छाए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया में एक ट्वीट किया जिसमें पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने पहले ट्वीट में सुष्मिता को अपना बेटर हाफ बताया। इसके बाद अगले ट्वीट में उन्होंने साफ किया कि दोनों ने अभी शादी नहीं की है, लेकिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दरअसल आईपीएल फाउंडर ललित मोदी की सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने सबकी नींद उड़ा दी। ललित ने 3 तस्वीरें शेयर की, उनमें वो सुष्मिता सेन के साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। फोटो में दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान भी दिख रही है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।